हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 35 डिवाइस के अंदर आप स्क्रीन सेवर क्लॉक यूज कैसे करेंगे। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन सेवर में क्लॉक यूज कैसे करेंगे, जैसे आप अपने फ़ोन को यूज करके आप रख देते हो तो आपकी जो लाइट है ऑफ होने लगती है, तो वहां पे आप जब लाइट ऑफ हो जाएगी तो वहां पे आप क्लॉक यूज कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज लगाते हो तो चार्ज लगाने के बाद आप जैसे छोड़ते हो, जो आपकी लाइट है ऑफ होगी तो वहां पे आपका जो क्लॉक वो शो होगा। तो दोस्तों, उसको कैसे सेट करना है यही सेटिंग हम आपको यहाँ पे बताने वाले। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां से आपको बता देते हैं आपको अपने स्क्रीन सेवर में क्लॉक सेटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा, अपने डिवाइस से हम आपको बताएंगे कि आप अपने स्क्रीन सेवर में क्लॉक सेटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट नंबर में अपने सेटिंग को क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे सेटिंग को क्लिक कर लिए, आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपके फोन में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन है तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारे सेटिंग आ जाते हैं, बहुत सारे सेटिंग है यहाँ पे, तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन सेवर का ऑप्शन। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको स्क्रीन सेवर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन है, आपको इस पे सिलेक्ट करना है। और आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह आ जाएगा सेटिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर मिलता है यूज स्क्रीन सेवर, तो आपको इसको नहीं इनेबल करना है, आपको नीचे आना है करंट स्क्रीन सेवर पे। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे करंट स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है, तो आपको उसको क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन का आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लॉक यूज करना है या फोटो यूज करना है, तो जैसे आप क्लॉक यूज करेंगे तो आपको क्लॉक पे क्लिक कर लेना है। और इसके बाद आपको इसके आगे मिलता है सेटिंग का ऑप्शन, आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे मिल रहा है सेटिंग का ऑप्शन, छोटा सा आपको सेटिंग का लोगो है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर मिलता है स्टाइल का ऑप्शन, आपको कौन से स्टाइल का जो क्लॉक है आपको यूज करना है, तो आपको स्टाइल पे क्लिक करना है। आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है आपको, अनलॉक और डिजिटल। आप देख रहे हैं हम अपने फोन में डिजिटल यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे डिजिटल यूज करके आपको दिखाते हैं, अगर आपको अनलॉक यूज करना है तो आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे डिजिटल पे क्लिक कर लिए हैं और नीचे आपको मिलता है नाइट मोड, तो आपको नाइट मोड को इनेबल कर देना है, क्योंकि जब आपका क्लॉक शो होगा तो आपकी जो डिस्प्ले है वो नाइट मोड में रहेगी, तो आपको ये वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आपको मिलता है वेन टू स्टार्ट, आपको यहाँ पे वेन टू स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कहाँ पे यूज करना है ये चीज आ रहा आपको, मतलब आपको जो आप क्लॉक यूज करेंगे उसको कहाँ पे यूज करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा ऑप्शन विल चार्जिंग। अगर आपको अपने चार्जिंग पे यूज करना है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक करना है। अगर आप विल डॉकेट, जैसे आप अपने डॉकेट पे यूज करना चाहते हैं, मतलब जैसे आपकी जो लाइट है ऑटोमेटिक जब ऑफ होगी तो आपके स्क्रीन पे जो है वहाँ पे वो शो होगा, तो अगर आप वहाँ पे यूज करना चाहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दोनों जगह यूज करना चाहते हैं विल चार्जिंग और डॉकेट, अगर दोनों जगह आप यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पर क्लिक करना है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपके फोन में सेट हो जाएगा। जैसे आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, अभी मान लो आप यूज कर रहे हैं, आपका जो बैटरी है थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा, तो उसमें क्या अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं इसको, तो मतलब आप अगर इसको ऑफ करना चाहते हैं ऑलरेडी ऑफ, तो आपको यहाँ पे इसके क्लिक करना होगा यहाँ पे नेवर का ऑप्शन पे। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे नेवर का ऑप्शन मिला है, तो आपको नेवर के ऑप्शन पे सेटिंग ओपन करके क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन है, जो सिस्टम है आपका, ये ऑफ हो जाएगा, जो स्क्रीन सेवर क्लॉक है वो आपके स्क्रीन पे शो नहीं होगा। तो अगर इसको ऑफ करना होगा तो आपको यहाँ पे नेवर के ऑप्शन पे आके क्लिक कर देना है, इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे इसको यूज करके आपको दिखाएंगे। तो हम इसको आप देख रहे हैं विल चार्जिंग और डॉकेट पे क्लिक कर लिए हैं और यहाँ से हम इसको ओके करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे फोन में ये सेट हो चुका है और यहाँ पे यूज स्क्रीन सेवर, जैसे हम इसको इनेबल करेंगे हमारे फोन में ये एक डेमो दिखाएगा कि आपके स्क्रीन पे किस तरह से ये शो होगा। तो हम इसको एक बार ही इनेबल करते हैं और देखते हैं इसका जो डेमो है किस तरह आता है हमारे स्क्रीन पे ये शो होगा। तो हम इसको इनेबल कर दिए हमारे फोन में, अभी देख रहे हैं जो टाइम है यहाँ पे शो हो रहा है, जो हमारा स्क्रीन है वो ऑफ हो चुका है और यहाँ पे जो हमारा क्लॉक है वो शो हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फोन में स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा।
आपको स्क्रीन सेवर क्लॉक सेटिंग कैसे करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।